आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार प्रदा हेल्दी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपके मेहमान बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही हेल्दी स्वीट है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की इसमें ज़रूरत होती है और ये बहुत ही कम समय बनती है। दिन में कई तरह के लवण जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम होते हैं जो हृदय मांसपेशियों के सक्रिय रूप से काम करने में मदद करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी तिल लिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। आप ये देख सकते हैं ये सफ़ेद तिल है। तिल कई तरह के होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने थेट वाली जो मिश्री होती है उसका यूज़ किया है। ये भी बहुत ही फ़ायदा करता है हमारे शरीर को। अगर आप चाहें तो कोई भी मिश्री ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली हुई है और अब जो मैंने जो तिल लिया हुआ था अब इसको हम रोस्ट करेंगे। आपको रोस्ट तब तक करना है जब तक तिल का थोड़ा रंग चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तिल का जो रंग है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। आपको ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, नहीं तो इससे तेल निकल आएगा। अब यहाँ पे हम एक ग्राइंडर में इस तिल को डाल देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने हल्के से इसको ग्राइंड किया हुआ है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और यहाँ पे हमने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहें तो ऐसे भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फुल क्रीम ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे हम तब तक इसको हम चलाएंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए और जो दूध का कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। आपका जो ये तिल का जो स्वीट है ये बहुत ही यमी बनेगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये देखिए आपका जो दूध, अब ये थोड़ा उबाल आ गया है। अब इस स्टेज में हमने जो मिश्री ली हुई थी इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया हुआ है और फिर इस दूध में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने दो बार मिश्री डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिश्री को डालिए। अब यहाँ पे मैंने जितना तिल लिया था उतना ही मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है और मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में अब हम इस मिल्क पाउडर को मिलाएंगे। आप याद रखिए कि आप थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर मिलाइए वरना आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसमें लम्स पड़ जाएंगे और जब लम्स पड़ेंगे तो आपकी जो स्वीट है वो बिल्कुल ख़राब लगेगी। आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आप मिल्क पाउडर को मिलाइए। आप इसको याद रखिए कि इसको ज़्यादा गर्म दूध में ना मिलाएं। अब ये देखिए आपका जो दूध है वो कितना क्रीमी हो गया है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मावा है। अगर आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर ना मिला करके आप इसमें मावे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो रोस्ट किया हुआ तिल था उसको मैंने मिला दिया है और अच्छे से अब हम इसको चलाएंगे। हमें इसको तब तक चलाना है जब तक कि जो तिल और ये जो दूध का जो बैटर था वो कढ़ाई से छूटने लगे। अब ये देखिए यहाँ पे अब हमने 2 स्पून घी का इस्तेमाल किया हुआ है। घी को इसलिए हमने ऐड किया है क्योंकि हमने कोई फैट, जो मिल्क पाउडर में कोई फैट होता नहीं है और जिसकी वजह से ये कढ़ाई को अच्छी तरह से छोड़ देगा और बहुत ही अच्छा ग्रेस देगा। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का ये कढ़ाई से छूट रहा है। जब आपको ये लगे कि हाँ देखिए ये बिल्कुल मावे की तरह लग रहा है, बिल्कुल अब ये देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितनी पूरी तरह से ये कढ़ाई से छूट रहा है। अब जब आपका ये स्टेज आ जाए तो आप इसमें कुछ कुटी हुई इलायची को डाल दीजिए। आपको याद रखना है कि इलायची आपको लास्ट में डालना है। लास्ट में डालने से ये होगा कि जो इलायची का जो फ्लेवर है आपकी स्वीट में आ जाएगा। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं आपको ये पास से दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितने दानेदार लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ काजू लिया हुआ है, बादाम लिया हुआ है और कुछ मैंने टूटी फूटी लिया हुआ है और इसको हमने चॉप्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और जैसे आप कचौड़ी बनाते हैं या आलू का पराठा बनाते हैं तो उसको शेप देते हैं, लोई में आप फिलिंग करने के लिए शेप देते हैं, उसी तरह से हमें इसको बनाना है। अब यहाँ पर जो हमने स्टफिंग बनाई है उसको हमें इसमें इस तिल की कटोरी में रखना हुआ है। अब ये देखिए
आपको वैसे ही रोल करना है, फिर इसमें थोड़ा सा गैप करना है और फिर इसको जो फिलिंग बनाई है उसके अंदर थोड़ा सा हमें इसको फिल करना है। आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी बन गया, कितना कम समय में बन गया। अब यहाँ पे देखिए कितना लजीज लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है ना कि हाँ कुछ है, कुछ बढ़िया स्वीट है, कुछ अलग हट करके कोई स्वीट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, अपने मेहमानों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से इस चैनल के बारे में बात करिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।